हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ थाली पीठ। ये थाली पीठ हम पके हुए चावल और हरी सब्जियों के साथ बनाएंगे। इसके लिए आप फ्रेश पका हुआ चावल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से बचा हुआ चावल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होता है। सबसे पहले हम पके हुए चावल को मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेंगे, बिना पानी के पीसेंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, आटा डालेंगे, अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डालेंगे, पत्ता गोभी, पालक, कद्दूकस किया हुआ गाजर, कटा हुआ धनिया पत्ता, हरी मिर्च और प्याज। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक भी डाल देंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक डो तैयार कर लेंगे। इस तरह का डो तैयार कर लेंगे। अब हम एल्युमिनियम फॉइल पे थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब हम थाली पीठ डो से एक छोटा लोई लेकर इस तरह से गोल करते हुए एल्युमिनियम फॉइल पर इस तरह से फ्लैट करेंगे। थाली पीठ का थिकनेस आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं, मोटा या पतला। इस तरह से फ्लैट कर लेंगे थाली पीठ को। अब हम उसके बीच में एक होल बना देंगे। ये लीजिए, थाली पीठ को मैंने इस तरह से फ्लैट कर लिया है। अब हम इसको सेक लेंगे। एक फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम थाली पीठ वाले एल्युमिनियम फॉइल को पैन में इस तरह से फ्लिप कर देंगे ताकि थाली पीठ पैन में चिपक जाए। धीरे धीरे हम एल्युमिनियम फॉइल निकाल देंगे। थाली पीठ के बीच में जो होल है, हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम इसको एक साइड से 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। मीडियम हीट पे पकाएंगे। 3 मिनट पकाने के बाद हम थाली पीठ को फ्लिप कर देंगे। थोड़ा सा तेल फिर से डाल देंगे होल में। आप तेल के बदले घी भी यूज़ कर सकते हैं। 3 मिनट तक फिर से पकाएंगे दूसरे साइड से। जब थाली पीठ दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए तब हम उसको प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। आप इस थाली पीठ के साथ रायता, दही, अपने पसंद का अचार, कटा हुआ मिर्च, प्याज, ये सब के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।